बड़ी को ताला चाहिए होगा और चाबी चाहिए होगी। वो किसी के पास ताला और चाबी नहीं है जिससे इस्लामाबाद बंद है। इस्लामाबाद को बंद करने वाला कोई माई का लाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 अक्टूबर को इस वर्क को इस्लामाबाद में एक बड़ा शो और पावरफुल शो करना चाहती है। एक ऐसा शो जिसमें ऐसी गैदरिंग हो जो हुकूमत को मजबूर कर दे कि पनामा की तहकीकात हो और फौरी तौर पर जो इंसाफ या जो लीगल प्रोसीडिंग्स इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रहे हैं पनामा पेपर्स के हवाले से उसकी शुरुआत हो जाए। ये कैसे मुमकिन होगा क्योंकि इतनी बड़ी रैली लाहौर में की लेकिन उसके नेक्स्ट डे तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से हमें कुछ बदला हुआ नज़र नहीं आया। क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी? कोई और सियासी जमात भी इनके साथ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिसके मुतल्लिक बहुत लोग कह रहे थे कि शायद किसी स्टेज तक इनके साथ चलें, अब तो इमरान खान ने यह कह दिया कि पीपल्स पार्टी को -1 फार्मूला कंसीडर करना चाहिए। तो ये वो सवाल थे जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्स तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान। खान साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पनामा पेपर्स बहुत दफ़ा हमने इतनी तफसील के साथ उसके ऊपर बात की है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को डट गया होगा। आज भी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी सवाल जवाब हो रहे थे। कुछ मिला आज आपको लाहौर वाली रैली से? आप बड़े पूरी उम्मीद थे कि अब तो इदारों को इंसाफ करना पड़ेगा। पहले तो कि ये इसके ऊपर बाद में आते हैं कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके ऊपर प्रेशर रहा है और उन्होंने क्या करना है और उन्होंने क्या नहीं किया अब तक, वो एक अलग मौजू है। आज जो हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने जो नून लीग के वकीलों ने, नवाज शरीफ के वकील ने कहा है, ये अब मेरे ख्याल में सीधा सीधा फ्रॉड है। इन्होंने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ की डिपेंडेंट ही नहीं है। ये किसने कहा है? नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि मरियम उसकी डिपेंडेंट थी नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कहा? हाँ, ये आज का है। अब जरा सुन लें हुआ क्या कि मरियम का 2012 के अंदर एक इंटरव्यू आता है जिसमें मरियम शरीफ कहती है कि ना मेरी कोई बाहर प्रॉपर्टी है ना मेरे किसी ख़ानदान की कोई बाहर प्रॉपर्टी है। ये अपने खुद उनके 2012 में वो अपने वर्ड्स हैं। 2016 में इंकशाफ हो जाता है और इंकशाफ से पहले हुसैन शरीफ टीवी पे आके कहते हैं कि मरियम दो ऑफशोर कंपनीज की मालिका हैं और वही ऑफशोर कंपनी लंदन की अपार्टमेंट्स, ये मेफेयर की अपार्टमेंट्स उनकी 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 वो मालिक हैं। अब नवाज शरीफ इसमें फंसते कैसे थे? क्योंकि नवाज शरीफ ने मरियम शरीफ को अपना डिपेंडेंट बनाया हुआ था। और ये मेरे पास, मैंने कहा कि मैं सबको बता दूं कि हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट सबके पास है। ये डॉक्यूमेंट 2012 की नवाज शरीफ की टैक्स रिटर्न है। इस टैक्स रिटर्न के अंदर वाज़े तौर पे नवाज शरीफ, अगर आप जाएं 2012 में, वो कहते हैं कि मेरी मरियम शरीफ मेरी डिपेंडेंट है। ये 2012 की डॉक्यूमेंट है। अब या तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेंज किए हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि फ्रॉड के माहिर हैं, क्योंकि आज उनके वकील ने जिस कॉन्फिडेंस से कहा कि मरियम उनकी डिपेंडेंट नहीं है, तो या तो फिर उन्होंने ये डॉक्यूमेंट चेंज किए। लेकिन ये टैक्स रिटर्न की कॉपी हमारे पास भी है जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, नहीं हो सकती, रिकॉर्ड है ये एफबीआर। तो या तो, क्योंकि उसने कैसे कह दिया फिर, अगर 2012 के अंदर मरियम इनकी डिपेंडेंट थी जबकि वो नीलसन और नेस्कॉल कंपनी की ओनर थी वकील, ये पनामा लीक्स के मुताबिक, तो कैसे हो सकता है कि एकदम वो डिपेंडेंट नहीं है? और मैंने अभी तक इन्होंने चैलेंज नहीं किया था। ये पहली दफा आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कहा कि नवाज शरीफ की डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब या तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेंज किए, क्योंकि मुझे पता था, मैंने एक दफा अनाउंस भी किया था कि एफबीआर के अंदर इनके लोग बैठे हुए जो टेंपर कर रहे हैं, रिकॉर्ड के साथ खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने अब ये किया, क्योंकि जाहिर है जब इन्होंने कहा जी ओरिजिनल कॉपीज लेके आओ, अब ओरिजिनल कॉपीज का मतलब कि अंदर जो ओरिजिनल कॉपीज एफबीआर में पड़ी हुई हैं उससे ये खेल रहे हैं, उसको इन्होंने चेंज। तो टाइम बाइंग टैक्टिक्स भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एफबीआर के अलावा तो ये दे नहीं सकता कोई वेरीफाई कॉपी। इतना उनका वकील ये कहे कि मरियम डिपेंडेंट नहीं, जब एफबीआर के अंदर डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है जो हमारे पास किधर से आई है, ये टेस्टेड कॉपी है, तो इसका मतलब कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ टैम्पर किया, ये फ्रॉड है।
ये और ज़्यादा, यानी एक तो पहले तो पकड़े गए हैं नवाज शरीफ अपनी डिपेंडेंट, यानी उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, उन्होंने अरबों रुपए की बाहर प्रॉपर्टी ली, वो कोई उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, नाम नवाज शरीफ ने डिस्क्लोज किया अपने इलेक्शन जो इलेक्शन में पेपर्स भरे 2013 में, ना उसमें किया। डिपेंडेंट ने 2012 की, डिपेंडेंट ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज 2006 से थी उनके पास, तो ना मरियम ने किया, ना कैप्टन सफदर ने किया और ना नवाज शरीफ ने किया। इसका मतलब कि ये केस तो क्लियर है, केस पे तो अब सिर्फ इस तरह नवाज शरीफ निकल रहे हैं कि उन्होंने कहा मेरी डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो FBR में पड़े हुए हैं उसको चेंज करने की। आपकी रैली से क्या फर्क पड़ा फिर, अगर यही पोजीशन आज भी आपको मिली है 30 को, आप बड़ा पुरजोश हैं कि दोबारा बड़ी तब्दीली आ जाएगी, आपने अभी चंद दिन पहले तो इतना बड़ा अच्छा तगड़ा शो किया, उसके नतीजे में तो फिर आज इलेक्शन कमीशन को मजबूर हो जाना चाहिए था कि इंसाफ कर देता आपके साथ। नहीं, ये अभी इलेक्शन कमीशन ने तो आगे डेट दे दी है ना, अभी तो उन्होंने आगे डेट दे दी है, जो अलमी है यहाँ कि ताकतवर के कोई कभी पकड़ा ही नहीं जाता यहाँ के सारे इंसाफ के निजाम। 30 अक्टूबर को क्या करें? नहीं, मैं सर वर्ज करूँ कि देखें, पहले तो हमने ये जलसे कर रहे हैं, पब्लिक मोबिलाइजेशन होती है, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी अवाम के पास ही जाती है और अवाम को मोबिलाइज करती है, तो ये एक उसका हिस्सा था। और 30 सितंबर में यह साबित हो गया कि इंशाल्लाह अगर हम इतने ज़्यादा लोग रायवंड ले जा सकते हैं जो बड़ी वीरान जगह थी इस्लामाबाद में, तो इससे 4 गुना ज़्यादा लोग आएंगे और ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो और इस्लामाबाद में अब जलसा नहीं होगा, इस्लामाबाद में आके बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो आप, अब 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने इसको हो गए हैं, आप देखेंगे डेमोक्रेटिक मुल्क में, आइसलैंड में 1 हफ्ते के अंदर फैसला हुआ, सबूत नहीं दे सका, अपनी सफाई नहीं पेश कर सका, 1 हफ्ता लगा, रिजाइन करना पड़ा। बर्तानिया में सीधी तरह डेविड कैमरॉन ने अपने सबूत दिए पैनामा के ऊपर, वो बरी हो गया। यहाँ 6 महीने हो गए हैं, ना अपने सबूत देता ना रिजाइन करता है। तो 30 अक्टूबर इस दफा जलसा नहीं है, वन डे क्रिकेट नहीं है, रैली नहीं है, टेस्ट मैच है, आप धरना देने जा रहे हैं। ये 5 डे टेस्ट मैच भी नहीं है, ये टाइमलेस टेस्ट मैच है, एक टाइमलेस टेस्ट मैच भी होते थे। तो जब तक आपको नतीजा नहीं मिलेगा उठेंगे नहीं। और ये स्ट्रेटजी 126 दिन की तैयारी है, फिर ये 126 दिन नहीं जाएगी, क्योंकि 126 दिन तो हम एक आराम से डी चौक में बैठ के कोशिश करते रहे, ये अब इनकी ये गवर्नमेंट नहीं चला सके, क्योंकि इतनी बड़ी आवाम आएगी इस्लामाबाद में कि वैसे ही ये भर जाएगा, ये सारा इस्लामाबाद ही भर जाएगा, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट। आपकी स्ट्रेंथ जो है जलसों में नज़र आती है, धरने के अंदर हमें आप डिपेंडेंट नज़र आए थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी के ऊपर, लाहौर आपने 30 सितंबर को बगैर किसी और सियासी जमात की हमायत के, शायद पहला आपके लिए टेस्ट केस था, आपने अच्छा किया, धरने मरने के बाद आप ताहिरुल कादरी के बगैर आए हैं, किसी मजहबी जमात के बगैर आए हैं, जमात इस्लामी के बगैर आए हैं, कराची में आपके ऊपर ये भी था कि MQM की स्पोर्ट्स है, आपने बंदे इकट्ठे किए, लाहौर वाला उसके बगैर आपने इकट्ठा किया, अभी मैं MQM की तरफ भी आऊँगा, लाहौर उसके बगैर किया, धरना उसके बगैर कर लेंगे? देखिए जी, धरना तो या ताहिरुल कादरी की मदद की ज़रूरत है अभी कि आ जाएँ लंदन से दोबारा? नहीं जी, मेरी अर्ज़ी है कि देखें जो पब्लिक निकली है ये रायवंड में, ये मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा निकली है, बल्कि इतनी पब्लिक थी कि हम केटर ही नहीं कर सके, हमने जो स्पीकर 1.5 किलोमीटर दूर तक स्पीकर सिस्टम लगाए थे वो 5 किलोमीटर तक पब्लिक थी, तो वो पहुंच ही नहीं सके वहाँ तक, तो लोग तो वापस जा रहे थे, कहीं आ रहे थे जा रहे थे, यानी ये इसका अंदाज़ा ही नहीं हम लगा सकते कितनी पब्लिक आई है। मेरी सोच से ज़्यादा थी, हमारी सब की सोच से ज़्यादा थी, और डेफिनेटली नवाज शरीफ की तो सोच से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये समझ रहे थोड़े से लोग आएंगे। मेरे ख्याल में ये अंडर एस्टिमेट करते हैं, इनको पता नहीं है कि पाकिस्तानी कौम कितनी तंग आ चुकी है इस निज़ाम से, इन इदारों से, इस झूठी जमहूरियत से, इस करप्शन से, ये आपस में मकारी करके मिल के मुल्क को लूट रहे हैं, लोगों को लोग पिसते जा रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है। और कई दफ़ा आम लोग जो हमारे ड्राइंग रूम चैटरिंग क्लासेस हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, जो आम चेयर पॉलिटिश इंटेलेक्चुअल्स हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि नीचे ग्राउंड पे इस वक्त कितना गुस्सा है। मेरे ख्याल में ये जो हुआ है रायवंड में, इससे 4 गुना ज़्यादा लोग आएंगे इस्लामाबाद में, और आएंगे लोग तब्दीली के लिए। वो इनका, मैं इनको टाइम दे रहा हूँ अभी भी, कि बेहतर ये है कि अभी इदारे हैं इनके, अब देखें इलेक्शन कमीशन ने 2 तारीख की डेट दे दी है, इतनी लंबी लंबी डेट्स दे रहे हैं, अब कौन सा मुल्क इंसाफ इस तरह करता है? ताकतवर है तो अगर एग्जैक्ट एक कंपनी थी, मीडिया हाउस था, उसके ऊपर एक खबर के ऊपर उसको बैन कर दिया। यहाँ ब्लैक एंड वाइट है, ये ओपन एंड शट केस है, ये केस बड़ा सीधा है कि इन्होंने बाहर पकड़े गए हैं, इनकी बाहर की प्रॉपर्टीज जो ना बता सकते हैं किधर से आई, ना पैसा बाहर कैसे गया, मनी लॉन्ड्रिंग से सब कुछ साबित हो गया है।
अभी तक कोई इंसाफ का इदारा इनको नहीं पकड़ा, तो हम मौका दे रहे हैं 30 तारीख तक। हम डिमांड ये कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह होता है। ये जवाब नहीं दे रहा, हुस्नी मुबारक नहीं जवाब देता, सदाम नहीं था, गद्दाफी नहीं था, लेकिन जो आइसलैंड के और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर जवाब दे थे, हम जवाब मांग रहे हैं। सारी पार्लियामेंट में इन्होंने जवाब नहीं दिया, TORs के बहाने डिले करते रहे, और फिर ख्वाजा आसिफ का बयान के जी फिक्र ना करें लोग भूल जाएंगे। तो मैं ये सिर्फ इनको एक पैगाम देना चाहता हूँ, नवाज शरीफ को भी, पाकिस्तान के इदारों को भी, कि देखें ये कौम को आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, कौम तबाही की तरफ जा रही है। लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें से बिल्कुल उनका इतमाद उठ चुका है इस सिस्टम से, तो अगर आप आज एक्ट नहीं करेंगे आप देख लेंगे कितनी पब्लिक आती है इस्लामाबाद। लेकिन खान साहब, जितना आप लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे हुकूमत वक्त, उतना उसको रोकने की भी कोशिश करेंगे। आप जितना पुरुद होंगे कि लोग आएंगे, वो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी आप मोबिलाइजेशन कर रहे हो उतना वो रोकने के लिए कोशिश करें। नदीम, इसके लिए तो मैं बहुत बड़ी मोबिलाइज करूँगा, यानी मैं इंशाल्लाह 16-15 से शुरू हो जाऊँगा मोबिलाइजेशन, और ये जो मैं आप मोबिलाइज करूँगा ये लोगों को नहीं रोक सकेंगे। ये रोकने की कोशिश की तब मुश्किल में, अगर आ गए तो इनको फिर जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने रोका तो इतने बड़े सैलाब को नहीं रोक सकते। लेकिन आपने सोलो फ्लाइट क्यों लिया? आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एन उस वक्त हमला ऊपर कर दिया कि आप माइनस दरदारी कर दें, जब हो सकता है कि आपको अभी उनको खींचने की कोशिश करनी चाहिए थी। जी, मुझे पता था नदीम क्या हो रहा है, मैं तो सारा फॉलो कर रहा था। मुझे पता था कि एतजाज आसन, कमर जमान, कायरा, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये पैनामा में नवाज शरीफ से जवाब तलब किया जाए। डिले होता जा रहा था, इनकी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की बड़ी सीधी थी, जो ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि खींचते जाएं तो लोग भूल जाएंगे, तो कोई फिक्र नहीं कि अरबों रुपया मुल्क का चोरी हुआ, लोग भूल जाएंगे। तो मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को ये इन टच है, और ये आपस में मिल के इसको डिफ्यूज़ कर रहे हैं, और यही TORs की लंबी गेम खेलते खेलते एंड में कहना था जी अच्छा जी ख़त्म होगी बात, ये और अच्छा जी अब 2018 की इलेक्शन की तैयारी करो, ये करना था ना उन्होंने। मैंने फिर हमने और बल्कि इशू तो नीचे चला ही गया था, अगर हम ना निकलते रमज़ान के बाद तो भी इशू तो ख़त्म हो गया था, तो जब हम निकले इशू फिर वो खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मेन इशू बन गया पाकिस्तान का, और हमारी पब्लिक मूवमेंट की वजह से, असेंबली में नहीं पब्लिक मूवमेंट की वजह से बना। अब बात यह है कि हमें ये जब हम पब्लिक मूवमेंट करते हैं कहते हैं सोलो फ्लाइट, खुद निकलते नहीं हैं, और खुद कहते हैं कि हम सितंबर में निकलेंगे, फिर आप निकलेंगे। लेकिन आपने बहुत दफ़ा एतजाज़ और कमर जमान कायरा का नाम लेते हैं, क्या कभी ऐसी बात नहीं आपकी हुई कि वो उनके ख्याल अगर आपसे मिलते हैं या आपके ख्याल दोनों के आपस में मुताबकत रखते हैं तो उनको कहें कि आइए फिर आपके साथ धरने में शामिल हो जाए? देखिए जी, जो TORs बनाए थे वो तो एतजाज़ थे, उनके घर में बने थे, लेकिन लाहौर में रायवंड में आपके साथ नहीं थे, क्या एतजाज़ और कायरा को दावत देंगे कि आपके साथ धरने में बैठ जाए? नहीं, मुझे तो खबर है कि वो, हमने तो एतजाज़ को बुलाया था जो 3 सितंबर को लाहौर में किया था, जो रैली निकाली थी, तो हमें तो खबर है कि आसिफ जरदारी ने नहीं जाने दिया एतजाज़ को। तो बहरहाल मुझे पता है कि इनके अंदर एक स्प्लिट है, इनकी जो पंजाब की पार्टी है वो चाहती है, उनको पता है कि ये नवाज शरीफ से अगर वो ना खड़े हुए नवाज शरीफ के खिलाफ, अब क्योंकि धरने में वो साथ जाके जब मिल गए थे पीपल्स पार्टी के, पंजाब को बहुत नुकसान पहुंचा है, अब फिर मिल गए तो उन्हें पता है पंजाब में तो पार्टी ख़त्म हो जानी है, इसलिए उनके एक बड़ा प्रेशर है कि इस पैनामा पेपर्स के ऊपर नवाज शरीफ को ना निकलने दिया जाए। लेकिन जरदारी के इंटरेस्ट और हैं, देखिए जरदारी के और नवाज शरीफ के एक ही इंटरेस्ट है, दोनों नहीं चाहते एहतसाब। जरदारी को पता है कि अगर नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ तो अगली बार यूज़ किया है, और वो इसलिए नहीं नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि इनकी दोस्ती है, इनके इंटरेस्ट एक है, दोनों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, दोनों ने देर से पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, दोनों की प्रॉपर्टीज जायदाद बाहर पड़ी है। अच्छा, कुछ पार्लियामान के हवाले से बात कर लें, जिस पार्लियामान के लिए आप कहते हैं कि उसकी सुप्रीमेसी रहे, जिस जमहूरियत के लिए, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के लिए, जो सारी कदरें जमहूरियत की कदरें हैं ना, अकाउंटेबिलिटी भी उसी का हिस्सा है, उसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी पार्लियामान को तो आपने बाय बाय कर दिया, और उस वक्त जब कश्मीर के ऊपर इजलास हो रहा था, ये आप एक दिन बाद भी कर सकते थे, आपकी टाइमिंग हमें सियासी एतबार से बहुत गलत लगी। आप इजलास में जाते, वहाँ तकरीर करते, फिर वापस आ जाते, कहते अब नहीं जाऊँगा। नदीम, आप पता नहीं कौन सी आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। पहले तो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है प्राइम मिनिस्टर और जो रूलिंग पार्टी होती है, देखिए अगर, और प्राइम मिनिस्टर को चेक कौन करता है? पार्लियामेंट
पार्लियामेंट करती है और रूलिंग पार्टी भी चेक करती है डेमोक्रेसीज में. देखें टोनी ब्लेयर को लेबर पार्टी ने फारिग किया था, ऑपोजिशन ने नहीं किया था. मार्गरेट थैचर की अपनी कंजर्वेटिव पार्टी ने मार्गरेट थैचर को फारिग किया था. असूलन तो होना ही चाहिए था कि जब नवाज शरीफ का नाम आया पैनामा में, नून लीग को इसको फारिग करना चाहिए था, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस था. अब नून लीग क्या कर रही है, उसकी उसको डिफेंड कर रही है. आप सबसे ज्यादा जो मुझे यानी शर्मनाक बात सामने आई, पख्तूनख्वा की असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करती है कि जनाब पैनामा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पैनामा पेपर्स पे. ये सारी डेमोक्रेसीज में ये होना चाहिए, क्योंकि पैनामा में पब्लिक का पैसा चोरी होकर बाहर गया ना. मुल्क के खिलाफ जुर्म हुआ, अवाम के खिलाफ जुर्म हुआ है, अवाम का पैसा चोरी होके बाहर गया, पकड़ा गया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन. असेंबली कहती है सारी रेजोल्यूशन पास करके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. नून लीग कहती है नहीं होनी चाहिए, नून लीग कहती है इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए. इससे क्या साबित होता है? नंबर वन कि नून लीग पख्तूनख्वा को पता है कि नवाज शरीफ अगर इन्वेस्टिगेशन हो पकड़ा जाएगा. दूसरी चीज, नून लीग की अवाम का इंटरेस्ट अपने साथ नहीं है, उनको नवाज शरीफ को बचाने का इंटरेस्ट है. ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी पार्लियामेंट है, मुझे बताएं. ये तो माफिया है, ये तो अपनी चोरी बचा रहे हैं और अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मैं आपका कहना है कि ये माफिया पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, ये क्या? मैं कह रहा हूं कि ये पूरा माफिया बैठा हुआ है यहाँ, करप्शन का माफिया बैठा हुआ है, मिले हुए आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं. तो फिर इस्तीफा दें, फिर दोबारा, पहले भी दिया था, दे दें आप दोबारा. फिर आपने ये तो कह दिया बाइकआउट कर रहा हूं, दोबारा नहीं जाऊंगा, फिर इस्तीफा दे दें. नदीम मुझे ये आप तो कह रहे हैं माफिया, एक मिनट मुझे आप पहले, अब मुझे ये बताएं, मैं हूं ऑपोजिशन, ये है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का काम होता है कानून साजी करना, गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नेंस, गवर्न करना, उनका वजारतें देते हैं वो, एग्जेक्टिव पावर्स उनके पास है. ऑपोजिशन का क्या काम है? आपने कहा ना डेमोक्रेसी है. मेरा काम सिर्फ दो काम है, मैं ऑपोजिशन, हम जो बैठे हुए हैं ना, हमने कोई, हमारे वजीर हैं ना, हमने कोई एग्जेक्टिव पावर्स है. हमारा सिर्फ काम ये है कि गवर्नमेंट अगर कानून तोड़े, हम तब उसको उसको चेक करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अगर पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा चोरी हो, तब हम उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें. अगर ये दो चीज़ें नहीं है ना, तो डेमोक्रेसी नहीं है. हुस्नी मुबारक की टाइम पे कोई ऑपोजिशन नहीं थी, कलर गद्दाफी की कोई ऑपोजिशन नहीं, सदाम हुसैन की कोई ऑपोजिशन नहीं, स्टालिन की कोई ऑपोजिशन नहीं. सिर्फ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन होती है, और उसका काम ही है. अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ कि जवाब दो, मैं 6 महीने से लगा हूँ जवाब दो. उससे पहले भी जब 22 पार्टीज कह रही है धांधली हुई, तो मैं कह रहा हूं कि धांधली हुई तो इन्वेस्टिगेशन करो, वो नहीं मान रही थी. उसके बाद हमें जब सारे फोरम्स में हमें इंसाफ नहीं मिला, हम सड़कों पे निकले. अब भी वही सिचुएशन है, 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में जवाब लेने के लिए, नहीं दे रहा. अब मुझे बताएं सड़क के अलावा मेरे पास कौन सा रास्ता है? आपने कह दिया कि मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, यही कहा. जब तक नवाज शरीफ या रिजाइन करें और या अपने आप को इत्तेसाब के सामने पेश करें. अगर वो दोनों काम नहीं करते फिर क्या करेंगे? तो सड़कों पे. फिर इस्तीफा देंगे पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में तो नहीं जाएंगे, हो सकता है आगे इस्तीफा भी दे दें, लेकिन दैट ऑप्शन इज ओपन, बिल्कुल ओपन है. अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं. देखें जी, अगर इस पार्लियामेंट का मकसद सिर्फ हमने आके आराम से वहाँ बैठ के और TADA लेके चले जाना है, तो उसका मकसद क्या है? पहले भी क्रिटिसाइज हुआ था कि आप लोगों ने 6 माह गए नहीं और पैसे ले लिए. मैं कहता हूँ कि इसका मकसद ही कोई नहीं है पार्लियामेंट का. नदीम, 1 मिनट का 60,000 रुपया खर्च हो रहा है, 1 मिनट का पार्लियामेंट में इस अवाम का 60,000 रुपया खर्च होता है. मुझे बताएं क्या इन्होंने किया आज तक? क्या पार्लियामेंट में हमने कोशिश की कि पार्लियामेंटेरियंस अपने एसेट्स डिक्लेयर करें? बताएं कितने टैक्सेस दिए हैं अभी तक? वो कमेटी सुना ही नहीं केस, यानी कमेटी बनी, कमेटी की सिटिंग ही नहीं हुई. वो स्टेज अच्छा, आ सकती दूसरी, है, दूसरी, जब मैं पाकिस्तान देखें नदीम, दो चीजें हैं पाकिस्तान को तबाह कर रही. एक, हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते क्योंकि पैसे वाले लोग टैक्स ही नहीं देते, उनको पैनामा में पैसे भेज देते हैं बाहर, यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर चला जाता है. दुबई में 750 अरब रुपए की 2 साल में पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी ली है, 750 अरब रुपया 2 साल में, 750 अरब डॉलर, यानी कि 750 अरब रुपए की 2 साल में प्रॉपर्टीज ली. कोई पूछने वाला है इनको? क्या पार्लियामेंट में किसी ने पूछा कौन है ये लोग? पार्लियामेंट एक करप्ट माफिया को डिफेंड कर रही है यहां. अगर ना करती ना, पहले नैब वाले को बुलाती. बताएं जनाब, आप जो सुप्रीम कोर्ट नैब से पूछ रही है,
कि आप 2 लाख और 4-4 लाख के केसेस पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं अरबों रुपए के केस पकड़ते हैं, क्यों नहीं आपने पैनमा पकड़ी? पार्लियामेंट से पूछना चाहिए था, नैब का और काम है क्या? आपको नैब के बाहर जाके बैठना चाहिए था, धरना सबसे पहले नैब के बाहर देना चाहिए था। ये जो सैलाब आ रहा है 30 को, ये सबको बह जाएगा, ये नैब को, नैब के भी बाहर होगा और ये FBR के भी बाहर होगा। इतनी मोबिलाइजेशन कर लेंगे क्योंकि हुकूमत, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, दे आर ऑल वेरी कॉन्फिडेंट कि इमरान खान को इतने बंदे नहीं इकट्ठे करने देने, तादाद बंदों के ऊपर ही जाके मैच मुकता है जी। बंदे आपके ज्यादा हो गए तो हो सकता है आपका पल्ला बढ़ रही हो, बंदे आपके कम हुए तो फिर सियासत फारिग हो जाएगी। अब 30 को देख लेंगे, ये 30 को देख लेंगे कि बंदे कितने हैं, और जो बंदे आएंगे ना, मैं आज आपके सामने कहता हूँ नदीम, ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। जितनी पब्लिक निकलेगी, जो मुझे 30 सितंबर के बाद, अच्छा पब्लिक को हमारे से पता है क्या गुस्सा है, हमारे लोगों को क्या गुस्सा है कि जी हम कुछ करते ही नहीं है, हम बस एक जलसा कर देते हैं उसके बाद चले जाते हैं, हमने धरने में पूरा मन बैठ के चले गए। बंदे आपके बैठ जाएंगे धरने में। मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि पिछली दफ़ा भी ताहिरुल कादरी की एक वैल्यू थी कि वो पीर साईं हैं, पीर साईं के फॉलोअर्स वहाँ टेंट लगा के, तंबू लगा के बैठ गए थे। आपके क्राउड जो है वो डिफरेंट है, वो आपके फॉलोअर्स जलसे में आएंगे लेकिन वहाँ सड़कों पर बैठेंगे नहीं। नहीं नदीम, धरने के बाद, धरने से पहले एक और पार्टी थी, धरने के बाद एक और पार्टी बन गई, जो ट्रेनिंग हुई है 4:30। ऑप्शन है कि दोबारा ताहिरुल कादरी को दावत दें कि आ जाओ यार धरने में मिलकर फिर बैठते हैं? देखिए दावत देंगे नदीम, हमने कोशिश की पहले। अच्छा। 30 सितंबर से पहले जो हमने किया रायवन में, हमने सबसे कोशिश की, बात की, तो हमें वो कोई कह जी नवाज शरीफ के घर जा रहे हैं, अजीब अजीब बहाने मार रहे हैं, अगर आपने नहीं आना तो ना आए, अच्छा जी नवाज शरीफ के घर जा रहे हैं, पता नहीं क्या सोलो फ्लाइट है। मैंने डेट एक्सटेंड कर दी, मैंने कहा ठीक है आप बताएं कौन सी डेट, क्या आपने डेट अनाउंस कर दी? मैंने कहा हम चले डेट फ्लेक्सिबल रखते हैं, फिर भी नहीं आ रहे, अगर आपने नहीं आना तो ना आए, अगर आपके और मसले हैं, मैं सारी पार्टीज को कह रहा हूँ, किसी एक का नाम नहीं ले रहा। देखिए ना, अगर आपने बहाने मारने हैं, आपको पता है आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको पता है कि नवाज शरीफ टाइम खींच रहे ताकि लोग भूल जाएं, तो अगर आपने नहीं आना तो बता दें, लेकिन हमें लटकाए ना। इस बारी हमने सबको दावत दी है, जो जो पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ है हमारे साथ आए, सबके लिए दावत है, लेकिन हमें लटकाए ना आप कि अच्छा जी आप आ रहे हैं, निजी नवाज शरीफ के घर जा रहे हैं, निजी अब बंद हो जाएगा तो लोगों का क्या बनेगा इस्लामाबाद, यानी ये ड्रामे ना करें हमारे से। सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्ड है सियासी एतबार से इस वक्त आपके हाथ में, वो है आपकी KP असम्बली, और दूसरी MQM की इस वक्त सियासत है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी आपसे 2-4 मिनट लूँगा। ये दो असम्बलियाँ बड़ी अहमियत की हामिल हैं, अगर आपने पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करना हो, क्या वो स्टेज आ सकती है कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा जो आप मांग रहे हैं, इदारे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप डिसॉल्व करने का KP असम्बली को गौर करें? ऑप्शन सब हमारे सामने हैं, यानी जाएंगे हम एंड तक, अब इस पर हमने देखना ये है। इट्स डू और डाई बैटल फॉर यू नो, डू और डाई बैटल फॉर पाकिस्तान। नदीम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है, अगर आज पाकिस्तान के लोग स्टैंड नहीं लेते, जबकि प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाता है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ पकड़े जाते हैं, ये आपके सामने इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट नहीं है मरियम उसकी, उसके बाद झूठ बोला कि 2005 में लिए, असेंबली में आके झूठ बोला कि मैंने 2005 में ये अपार्टमेंट ली, और जबकि 4 इनके मिनिस्टरों की स्टेटमेंट्स हैं 2012 में, 4 साल पहले, कि 10 साल पहले लिए अपार्टमेंट्स। क्यों झूठ बोला कि अगर 10 साल पहले लिए तो ये सिर्फ करप्शन के पैसे से ली गई है, और हम साबित कर सकते हैं कि उन्होंने 10 साल पहले लिए 95, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों झूठ बोल रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, तो मैं उधराता हूं, मैं उधरा, देखिए मैं आपने कहा ना डू, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कार्ड है। मैं नदीम प्लीज एक चीज याद रखना, ये पाकिस्तान के लिए डू और डाई, इमरान खान के लिए नहीं है। इमरान खान तो यहां आएगा, फेल हो जाता ना मैं तो पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टी को कभी नुकसान नहीं होता, मेरी आप बात याद रखना। पब्लिक मूवमेंट जब वो करती है उसकी पार्टी मोबिलाइज होती है, हम तो फिर भी 2018 के इलेक्शन के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए की चोरी रंगे हाथ पकड़ा जाता है और पैसा बाहर लेके जाता है, और उस मुल्क के इदारे कुछ नहीं करते, और वो चोरी करता ही इसलिए है उसे पता है कि इदारे कुछ नहीं करेंगे, और वो फिर इदारों को मजीद तबाह करता है क्योंकि उसने अपनी चोरी बचानी होती है, उस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है, इसका मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपके इदारे तबाह होते हैं आपका मुल्क तबाह हो जाता है। तो दो बड़ी पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, तो एक आपकी असेंबली से इस्तीफों की है और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील की है। ये दोनों ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता। सारी ऑप्शंस हमारे सामने हैं, हम रखेंगे। हमने देखना यह है कि हमने इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर कैसे डालना है। हमने क्या पख्तूनख्वा की असेंबली से बाहर निकल के प्रेशर पड़ेगा ज्यादा, या अंदर बैठ के तो तब भी ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, हम ये सारा वे आप करेंगे। लेकिन ये अब आप ये समझें कि ये जाएगा आप एंड तक, सारी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे।
इनको जब हुकूमत ही नहीं हमने करने देनी, फिर हमने तो हुकूमत ही नहीं करने देनी। क्या फारूक सत्तार को दावत देंगे कि आए उनकी जमात अब माइनस अल्ताफ़ हुसैन हो चुकी है, आप माइनस आसिफ जरदारी की बात कर रहे हैं, वो माइनस अल्ताफ़ हुसैन हो चुके हैं? माइनस आसिफ जरदारी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने आज अपने आप को बचाना है ना, क्योंकि एक इतनी बड़ी ग्रास रूट फेडरल नेशनल पार्टी, नजरियाती पार्टी, आज बिल्कुल एक छोटी सी महदूद पार्टी रह गई है। आसिफ जरदारी ने वो किया जो कोई डिक्टेटर नहीं कर सकता था। आज अगर पीपल्स पार्टी ने बचानी तो माइनस वन करें, नहीं करना तो अपना उनका हाल देख लें। फारूक सत्तार को दावत तब देंगे कि अगर वो वाकई आसिफ अल्ताफ हुसैन, जो कि बिलावल भुट्टो के अंकल हैं, अगर उनसे वाकई अलग अपने आप को कर लें तो हम दे देंगे। आप अभी श्योर नहीं है कि वो मुकम्मल लहदा हुए हैं? देख लेंगे जी। अभी इतना बड़े ये जो हथियार मिले हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन और पता नहीं क्या क्या, कराची को तबाही करने के लिए। आप क्या सोचते हैं, फारूक सत्तार की जमात को इस्तीफा देना चाहिए सिंध असेंबली से? वो खुद फैसला करें जी। देखें, ये एमक्यूएम का फैसला है, लेकिन मैं दावत सबको दूंगा, जो भी आज करप्शन के खिलाफ है वो हमारे साथ निकले, और कौम को पता चल जाएगा जो नवाज शरीफ के साथ है वो करप्शन के साथ है, वो अपनी करप्शन बचाना चाहता है। देखें, जो जो जिसको फिक्र है ना कि नवाज शरीफ के बाद उनकी बारियां आ जाएंगी, वो सारे आज उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, और उसके साथ खड़े जमहूरियत बचाने के लिए, ये सारे जमहूरियत बचा रहे हैं। अच्छा, फिर इमरान खान क्यों निकला हुआ है? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इमरान खान वो फौज को बुलाने के लिए निकला हुआ है। कोई फिक्र नहीं है कि पैनामा में अरबों रुपया प्राइम मिनिस्टर पकड़ा गया है, लेकिन इमरान खान फौज को बुला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और फिर सीपैक को सेबोटाज करने की कोशिश हो रही है। यानी एक और नया सोचा छोड़ा सीपैक को खत्म करने के लिए, फिर डेवलपमेंट रोक रहे हैं। नदीम, डेवलपमेंट तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और नवशरीफ खानदान के बैंक अकाउंट्स में, इनकी प्रॉपर्टीज में हो रही है। अवाम की डेवलपमेंट, अवाम नीचे जा रही है, मकरूज होती है। जो डेवलपमेंट होती है, इनके घर बन रहे हैं, इनकी फैक्ट्रियां बन रही है, इनकी बार प्रॉपर्टीज बन रही है। बहुत बड़ा क्रिटिकल टेस्टर है वो है नए चीफ की तैनाती, और जो लास्ट टू मीटिंग्स हुई उस हवाले से जो खबरें छपी, जिसमें कहा गया कि एक में चीफ मिनिस्टर पंजाब की DGISI के साथ कुछ आर्गूमेंट हुई है, एक मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ की शायद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या किसी और बुजुर्ग के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग चेयर कर रहे थे, इनके आपस में आर्गूमेंट्स हुई हैं। और बुनियाद क्या है कि कुछ बड़े ग्रुप्स जो पंजाब बेस्ड हैं उनके खिलाफ तासुर यह है कि शायद आर्मी एक्ट नहीं कर रही। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बड़ी वाजे खबरें छपी हैं, आइसोलेशन हो जाएगी पाकिस्तान की अगर कार्रवाई ना की है हुकूमत ने, क्या फौज को? मैंने बिल्कुल ये खबरें पढ़ी हैं, और ये सारे पाकिस्तानी, मैं नहीं, सारे पाकिस्तानियों को ये जब खबरें पढ़ते हैं ना तो उनको तकलीफ पता क्यों होती है कि आज एक इदारा रह गया है जो ये शरीफों ने तबाह नहीं किया, वो है पाकिस्तान की फौज। और ये जो कर रहा है नवाज शरीफ, ये बड़ी एक ख़तरनाक इसकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। वो एक इदारा जो कि ये कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिस तरह पंजाब पुलिस है, ये फौज को पंजाब पुलिस असल में बनाना चाहता है, क्योंकि बाकी सारे आप देख रहे हैं इदारों को, सारे इदारे इसके कंट्रोल में, कोई नवाज शरीफ के सामने खड़ा नहीं होने के लिए तैयार। अभी अगर ये फौज तबाह होती है तो किसका इंटरेस्ट है? दुश्मनों का इंटरेस्ट है ना। मुझे ये बताएं कि अगर आज हमारे पास हमारी फौज फंक्शन नहीं करती, मुझे बताएं बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जो पॉलिटिशियंस को ठीक करने चाहिए थे, उनको उनके हकूक देने चाहिए थे, लेकिन आज जिस तरह हालात हैं, अगर आप फौज नहीं है तो क्या हमारे पास कोई वहाँ तो पुलिस ही नहीं है, वहाँ तो लेवीज हैं 80% बलूचिस्तान में, तो वहाँ तो आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है। बलूचिस्तान को जो अगर इंटरनेशनल साजिश हो रही है, जो वाज़े तौर पर पता चल गया है इंडिया इसमें इन्वॉल्व है अफगानिस्तान के थ्रू, अगर इंटरनेशनल साजिश हो रही है तो हमारे पास अगर फौज फंक्शन नहीं करती तो बलूचिस्तान गया। कराची के अंदर आज रेंजर्स नहीं काम करते तो कराची में आग लग जाएगी। गवर्नमेंट एक पोजीशन ले रही है, हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी चीजें। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखे ना, आज ये जो कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो मोदी की जबान है वो कर रहे हैं। वो उसने क्या कहा नवाज शरीफ जब तकरीर कर रहा था UN में, कहता ये नवाज शरीफ किसी और की जबान बोल रहा था। ये उसने कह भी दिया कि जो दहशतगर्दों का हेड है, यानी कि जनरल राहिल शरीफ के प्रेशर में कश्मीरियों के लिए नवाज शरीफ बात कर रहे हैं UN में, ये मोदी की स्टेटमेंट है। तो जब अगर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दड़ाट पड़े, पाकिस्तान फौज आइसोलेट हो, कमज़ोर हो, अगर पाकिस्तान फौज कमज़ोर होती है तो मुझे बताएं ज़रबे अज़ब कौन सी हमारे पास, कौन सी पुलिस है अगर ये दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकती, कराची में कौन से हैं? ये ज्यादा नहीं होगी कि कहें कि हमारे जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हमारा आर्गूमेंट उनसे सियासी इख्तलाफ हो,
वो मोदी के बिहाफ के ऊपर फौज को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, या टू मच नहीं हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहा है, लेकिन जिस तरह वो जा रहा है ना, वो चाहे इंटेंशनली कर रहा है या अनइंटेंशनली कर रहा है, ये अगर ये बड़ी देर की कोशिश है कि पाकिस्तानी फौज को डिफैंग किया जाए, इसको कमजोर किया जाए। कमजोर क्यों किया जाए? जो मगरिब की कोशिश है कि इंडिया की हेजमनी हो, इंडिया या मेन प्लेयर हो चाइना से। दो बड़े ग्रुप्स हैं जी असल में, जो सीधी कहानी है उसके ऊपर आपसे वैसे ही आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन ले लेते हैं। एक जैश का नाम आता है, एक लश्कर का नाम आता है। पंजाब ऑपरेशन के ऊपर आपको पता है बड़ी देर से मैच जारी है, कभी फौज कहती है हमें रेंजर्स लेड ऑपरेशन पंजाब में करने दें जैसे कराची में किया था, उसके ऊपर कन्फ्रंटेशन आ जाती है, पंजाब को मन नहीं चाहती कैसा काम हो। इसके ऊपर आपको पेशरफ्त करनी पड़ेगी, आपको वो साउथ पंजाब हो या और स्लीपर सेल्स हैं उनका खात्मा करना है। क्या पंजाब में ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए जैसा किया गया कराची? नेशनल एक्शन प्लान के अंदर क्या चीज़ें सामने आई थी? नेशनल एक्शन प्लान में हुआ था कि कोई भी मिलिटेंट ग्रुप पाकिस्तान में उसको अलाउड नहीं करना चाहिए फंक्शन करना। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ के नेशनल एक्शन प्लान में कहा था कि हमने किसी आर्म्ड मिलिशिया को पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करने देना, कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। ये सब ने फैसला हो चुका था, सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया था नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें MQM भी थी। जब ऑपरेशन शुरू हुआ इनको ये आर्म मिलिशिया के खिलाफ, कौन खड़ा हुआ? सबसे पहले अल्ताफ हुसैन शुरू हो गया बुरा भला कहने रेंजर्स को, आप उसकी ज़बान सुने ना जो इस्तेमाल करता है। उसके बाद जब पंजाब के अंदर जाने शुरू हुए तो वो रोकना शुरू हो गया उनको, छोटू गैंग तो संभाली नहीं गई पुलिस से। तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अगर फौज रेंजर ऑपरेशन नहीं करेगी तो नहीं होगा। मेरा पॉइंट ये है कि सारी जब पॉलिटिकल फोर्सेस और फौज एक पेज पे आ गई थी नेशनल एक्शन प्लान में, क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ? क्या पंजाब में ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए या जरूरत है इसकी? जिधर भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत फैसला हुआ था कि मिलिटेंट ग्रुप्स को नहीं ऑपरेट करने देना चाहिए, जिनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, क्यों रोका? क्यों नहीं किसी ने एक्ट किया? क्या इसके ऊपर ओवरऑल नेशनल लेवल के ऊपर हमारी जो सियासी क़यादत है थोड़ा सा कमजोरी का शिकार नज़र नहीं आती? हम फौज को कहते हैं कि भाई ये ग्रुप बना हुआ है इसको ख़त्म करो, हम ओनरशिप क्यों नहीं लेते? आप, नवाज शरीफ, सारे लीडर बड़े बड़े। हमारी गवर्नमेंट है पख्तूनख्वा में, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख लें वहाँ, आप लेवल देख लें वहाँ, क्राइम का, दहशतगर्दी का सब नीचे आ गया। हमने पुलिस को प्रोफेशनल किया, और वो किया क्यों? क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मर रहे थे पख्तूनख्वा के पुलिस वाले, फ्रंट लाइन पे थे। 700 पुलिस वाले 5 साल में मारे गए थे। हमने पुलिस को प्रोफेशनल किया, डीपोलिटिसाइज किया, आज मिसाली पुलिस है। आज तो पंजाब की पुलिस के हेड में पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें भी पख्तूनख्वा की पुलिस की तरह ऑटोनमी दी जाए, प्रोफेशनल बनने दें बजाय पोलिटिकल इंटरफेरेंस के। तो हमने तो एक्ट किया ना। अगर आज पख्तूनख्वा के अंदर नीचे गई है दहशतगर्दी और क्राइम, तो उसकी बहुत बड़ी वजह पुलिस को ठीक करना था, तो ये इनको भी करना चाहिए। या पुलिस ठीक करें फिर, या फौज को आने दें, या पुलिस ठीक करें या फिर फौज को पंजाब। और एग्जैक्टली वही कराची में है, इन्होंने पुलिस तबाह की। जब नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ कराची में, इन्होंने उसके बाद पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग आई, इन्होंने MQM के साथ समझौता किया, चुन चुन के पुलिस वाले मारे, जो कि ऑपरेशन MQM में रखिए कि हम जिस वक्त ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, नवंबर में आपके आर्मी चीफ की रिटायरमेंट है, रहील शरीफ, जिन्हें पॉपुलैरिटी इसलिए मिली कि ज़र्ब अज़ब आपकी बेपनाह सक्सेसफुल रही, और कराची का कराची ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब पूरे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नीचे चली गई। नई तैनाती भी होनी है इस अरसे में, जिसमें आप, ये बहुत बड़ा एक नया चैलेंज है कि पंजाब वाला चैप्टर आप चाहते हैं कि खुल जाए। नहीं, एक मिनट, पहले तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये हमने सारी पार्टीज ने नेशनल एक्शन प्लान में एक अक्रॉस द बोर्ड हमने साइन किया हुआ है इसके ऊपर, तो पहले तो इसके ऊपर अमल हो। इसका क्या ताल्लुक है नया चीफ से? जो भी आएगा, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, हम सब की, पॉलिटिशंस की, पॉलिटिकल सेटअप की, जब अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी है, फौज भी उसको सेक्रेटरी है, तो उनको फॉलो करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या वजह है कि अगर कराची में अगर पुलिस नहीं सही ऑपरेट कर रही, तो रेंजर्स हैं और लोग खुश भी हैं कराची के लोग। अगर यहाँ पंजाब में छोटू गैंग का पुलिस नहीं मुकाबला कर सकती, और अगर यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे हैं, तो अगर वहाँ फौज चली जाए, रेंजर्स चले जाए, तो क्यों ये एतराज़ है? एक ब्रेक ले लें, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तहरीके इंसाफ के सरबरा इमरान खान हमारे साथ हैं। खान साहब, दोबारा सियासत की तरफ आने से पहले क्रिकेट के ऊपर एक दो सवाल आपसे करने बहुत ज़रूरी हैं। जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी की कंट्रोवर्सी इस वक्त हेडलाइन न्यूज़ में,
पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी एक दूसरे को मैच फिक्सिंग का कह रहे हैं, इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, और दूसरा उनको कह रहे हैं कि नहीं ये हमेशा से पैसे के लिए खेलते थे। जावेद आपके साथ खेलते रहे हैं, जावेद मियां दाद एज ए प्लेयर एज ए ह्यूमन बींग आपकी उनके मतलब राय क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए मेरी तो जावेद की राय वो है कि एक खिलाड़ी जो मुश्किल वक्त में मैं कैप्टन होता था, मुश्किल वक्त में मेरे लिए खेलता था और पूरी तरह पाकिस्तान के लिए जान मारता था। मुझे बड़ा अफसोस है, ये मैंने पूरी तरह नहीं तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इस लेवल पे बातें होनी चाहिए एक दूसरे दोनों भी। शाहिद अफरीदी की भी एक बड़ी स्टैंडिंग है पाकिस्तान में और फॉलोइंग है बड़ी, तो पता नहीं क्या हुआ कि ये इस लेवल पे गुफ्तगू चली गई, जानी नहीं चाहिए थी। शाहिद अफरीदी का मैंने कभी सुना नहीं कि उन्होंने कभी मैच फिक्सिंग की, मैंने नहीं कभी सुना। हो सकता है आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट सर्कल से वाकिफ हैं। धोनी का पता है इस वक्त सबको, जो राजस्थान रॉयल के साथ जो कुछ हुआ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से श्रीनिवासन के साथ मिलके जो इल्ज़ाम लगे, तो आपको पता है कि धोनी के ऊपर इल्ज़ाम हैं। क्या अफरीदी के ऊपर भी ऐसा कुछ रहा है एलिगेशन माजी में? देखिए जी, मैं तो क्रिकेट कितने 23 साल से छोड़ा हूँ, और मैंने फैसला किया था कि जब मैं क्रिकेट छोड़ूंगा मैं क्रिकेट से बिल्कुल तलाक कर लूँगा, यानी उसके साथ फिर मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं आगे जाना चाहता था। तो मेरा इतना कोई क्रिकेट से इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। मैच फिक्सिंग सारी शुरू हुई जब मैंने छोड़ी क्रिकेट, यानी इसके ऊपर जो बातचीत शुरू हुई कितनी थी कितनी नहीं थी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस तरह की जो ये गुफ्तगु हो रही है एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस, इससे दोनों को नुकसान है। क्रिकेट को नुकसान है, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान है, इन दोनों को भी नुकसान है। मैं तो शाहिद अफरीदी के साथ नहीं, लेकिन उनकी रेपुटेशन है, उनकी फॉलोइंग है, और जावेद मेरे साथ खेलते रहे हैं और बड़ी देर खेले हैं इकट्ठे, और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट को, और वो एक वो प्लेयर थे जब टीम को सबसे ज़रूरत होती तो वो खड़ा हो जाता था। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा डैमेजिंग है। मैं तो एडवाइस करूँगा कि इस तरह एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें पब्लिकली कभी नहीं करनी चाहिए। वैसे आप हमेशा नवाज शरीफ को चैलेंज दे रहे होते हैं और कहा जाता है कि आप सड़कों पे नवाज शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं, लेकिन इस मामले में आपको शाहिद अफरीदी और जावेद मियां दाद को चाय पे दावत देनी चाहिए, उनका डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करवा दें। कहां नवाज शरीफ और कहां दो मुल्क के लोग जिन्होंने मुल्क को इतना फ़ायदा पहुँचाया और नाम ऊँचा किया, कहाँ वो जिन्होंने सारी दुनिया में जब आते हैं कि जी कितने 6 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम आते हैं जो पकड़े गए हैं पैनमा में, जिसमें एक नवाज शरीफ की शक्ल आती है। क्या सॉर्ट आउट करवाने का डिस्प्यूट कोशिश करेंगे, चाय पे इनवाइट करें शायद अभी जो जावेद मियां दाद? मुझे आज ही मैंने पढ़ा है और सुना, थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है, मैं कोशिश करूंगा जी। बीइंग ए सीनियर मेखल, हो सकता है आप दोनों आपकी बात सुन लें। वापस सियासत की तरफ आते हैं, 30 अक्टूबर से आपकी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट का रोल हमने डिस्कस नहीं किया, आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, कोई तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा एक्शन हो जाए कि 30 अक्टूबर से पहले आपको कुछ रिलीफ मिल जाए? देखिए नदीम, अगर आप टेबल देखें ना कि जो मुल्क खुशहाल हैं और जो मुल्क गुरबत में और मकरूज हैं और गिरे हुए हैं नीचे जा रहे हैं, तो एक ही चीज़ आप देखेंगे कॉमन, जो मुल्क खुशहाल हैं उनके इदारे मजबूत हैं, जब इदारे मजबूत होते हैं तो करप्शन कम होती है। जो मुल्क नीचे जा रहे हैं वसाइल की कमी नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये है कि उनके इदारे कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होते इसलिए हैं कि करप्शन आसमानों पर आ जाती है, और जब करप्शन ऊपर जाती है, करप्शन ऊपर जा ही सकती है तब जब इदारे कमज़ोर हो। अगर आपके अदलिया काम कर रही हो सही तरह, आपके बाकी सारे इदारे नैब FPR SECP जितने भी आपके इदारे हैं FIA, ये अगर अपने कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, आपके मुल्क में करप्शन ऊपर जा ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे से बाहर है इस वक्त के अंदर है? एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, उसने पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को इवेल्युएट किया, वो है इंटरनेशनल बिजनेस कंपेटिटिव इंडेक्स है, लेकिन उसमें उन्होंने वैल्यूएट किया है कि पाकिस्तान के इदारे किधर खड़े हैं। आप यकीन करें कि पाकिस्तान के इदारे नीचे जा रहे हैं, मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में वो ऊपर थे, इनकी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में वो नीचे चले गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि तब करप्शन कम थी, अब करप्शन ज़्यादा है। करप्शन ज़्यादा हो ही तब सकती है जब इदारे कमज़ोर हों। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उन्होंने सो मोटो एक्शन दिए थे पहले, इस पैनमा के ऊपर क्यों नहीं सो मोटो एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया, आपकी क्या राय? मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ का बहुत प्रेशर है अदालतों पे, सारों इदारों पे। देखिए ना, ये आप देख लें, ये एक इलेक्शन कमीशन के सामने एक झूठ बोलते हैं, हमारे पास सबूत है, कहते हैं जी मरियम डिपेंडेंट नहीं है। अब ये सिर्फ इसलिए हुआ होगा कि इन्होंने FBR में जाके डॉक्यूमेंट्स चेंज किए होंगे,
आप सर्टिफाइड कॉपीज लीजिए, हो सकता है हमारे पास है ये हमारे पास, देखें ये तो अच्छा अभी तक इनको याद नहीं आया, आज पहली दफा इन्होंने कहा कि डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर डिपेंडेंट है मरियम, अगर डिपेंडेंट है 2012 में नवाज शरीफ उड़ गया, बच नहीं सकता, इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट चेंज किए अंदर जाके। देखिए खान साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि अदालतों के ऊपर भी नवाज शरीफ का दबाव है, सो मोटो मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की जुडिशरी कम इंडिपेंडेंट है अब पहले से। दो इश्यूज ऐसे थे, पनामा का भी और मॉडल टाउन का भी, जिसपे सो मोटो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था, नहीं लिया, मसले और आपने खुद ही बात कर दी। मॉडल टाउन से बड़ा मुझे बताएं किस डिक्टेटर ने इस तरह कत्लेआम किए और एक आदमी नहीं पकड़ा गया। 12 मई से वर्स्ट है ये, 12 मई से वर्स्ट वाकया था लाहौर के अंदर हो जाना, ये वाकया बहुत नहीं, 12 मई तो एमक्यूएम ने मारे थे लोग, यहां तो पुलिस ने मारे हैं। तो पुलिस ने मारे का मतलब कि शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर ये डायरेक्टली रिस्पांसिबल हैं। देखें ना, पुलिस कोर्ट ने एक्ट नहीं किया इन दोनों वाकया में, पहले तो ये दोनों पुलिस जब मारती है तो दोनों डायरेक्टली है, किसी ने किसी मुल्क के इदारे ने इनको और अदालतों ने किसी ने नहीं पकड़ा इनको, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट किया, ये मेरी लॉजिक बिल्कुल बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। मेरे ख्याल में कि देखें एक तासुर फैल गया है कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए और एक सदन पंजाब और पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक और कानून है, एक और रवैया है अदालतों का, नवाज शरीफ के लिए एक और है। ये फैल गया, नवाज शरीफ के 12 केसेस पड़े हुए हैं नैब में, 12 केसेस पड़े हुए हैं, किसी के ऊपर नहीं कुछ हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? आप 30 अक्टूबर को जो भी कर लें उससे मिरेकल की तवक्को आपको क्यों है? आप सोचते हैं कि बड़े बंदे लाऊंगा, इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, तो कौन एक्ट करेगा फिर? 30 अक्टूबर फिर तो खून खराबा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, इंसाफ नहीं हो सकता। देखें पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद तबाह होना है, आपने हम नीचे जा रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ ले लें, सारे पाकिस्तान 10 साल पहले टोटल पाकिस्तान का कर्जा था 6,000 अरब रुपया 10 साल पहले, इनके आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो जो इन्होंने लूट मार की है, आज 22,000 अरब रुपया कर्जा है पाकिस्तान का। यानी इन्होंने तारीख में जो कर्जा लिया था 10 साल पहले, वो इन्होंने उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अब मुझे बताएं ये किधर गया पैसा खान साहब? लेकिन अच्छा मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तानी कौम आज अपने हकूक के लिए नहीं निकलती और डिमांड इंसाफ नहीं करती, पाकिस्तानी कौम तबाह होने जा रही है। आपने अपने लफ्जों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट नहीं कर रही, नैब एक्ट नहीं कर रही, बाकी इदारे कोई नहीं कर रहे, इंसाफ नहीं आपको दे रहा। आप जितना मर्जी बड़ा मोबिलाइजेशन करके इस्लामाबाद पूरा बंद कर दें, चौक कर दें, सारी आर्टरीज ब्लॉक कर दें, देन व्हाट? मैं तो कहता हूँ कि ये है एक पुरमन इनकलाब, अगर ये नहीं कामयाब होगा तो इस मुल्क में खूनी इनकलाब होगा। उसके लिए भी तैयार है? नहीं, मैं तो नहीं वो खूनी इनकलाब में, मैं नहीं मानता खूनी इनकलाब में, मैं पुरमन इनकलाब में मान रहा हूँ। लेकिन अगर आप पुरमन इनकलाब के दरवाजे बंद कर देंगे तो मुझे ये बताएं कि यहाँ 60% पाकिस्तानी 20 साल की उम्र से कम है, ये हर रोज रोजगार ढूंढने के लिए नौजवान आ रहा है, मैक्सिमम बेरोजगारी है, छोटा सा तबका अमीर होता जा रहा है, उनके लिए कानून ही पाकिस्तान का नहीं है, टैक्स वो नहीं देते, सारा टैक्स अवाम पे लगाते हैं महंगाई करके, जो कर्जे ले रहे हैं ये अवाम अदा करेगी इसकी कीमत महंगाई के जरिए। अब क्या हमने ये चुप करके इस तरह बैठे बैठे मर जाना है या अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी है, अपने मुल्क को बचाना है? ये जो मैं 30 अक्टूबर को अपने लिए नहीं कर रहा, ये अगर पाकिस्तानी कौम अपने हकूक के लिए नहीं निकलती, आप पाकिस्तानी कौम के आगे अंधेरा है, ये तबाही की तरफ जा रहे हैं। देखिए सोवियत यूनियन किसी बाहर की कुव्वत ने नहीं उसको ख़त्म किया, उसको अंदर से खोखला हो गया, जो हम हो रहे हैं आप, वो एंड में डिसइंटीग्रेट इसलिए हुआ कि अंदर से ही खोखला हो गया। बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ। 2 पैगाम, पहले प्राइम मिनिस्टर के लिए दे दीजिए, फिर पाकिस्तानी लोगों को जिनको आपने दावा देनी है एंड में से ले लूँगा। पहले वज़ीर आज़म के लिए दे दीजिए कि 30 अक्टूबर से पहले वो ऐसा क्या करें कि आपको धरना ना देना पड़े। नहीं, वज़ीर आज़म को तो अपने आप को जिस तरह डेविड कैमरॉन, उसका नाम आया पैनामा में, एक आतंशवादी पार्लियामेंट पर अपने आप को इत्तेसाब के लिए पेश किया और क्लियर हो गया, ये अब तक 6 महीने हो गया नहीं कर रहा। और या फिर उधर का आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं कर सका, रिजाइन किया, तो क्या करें मियाँ साहब? मियाँ साहब के पास 2 ही हैं ऑप्शंस, या अपने आप को इत्तेसाब के लिए पेश करें या रिजाइन करें। और पाकिस्तानी अवाम के सामने मेरा फिर से ये है बड़ा क्लियर कि ये आपके लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है, फैसला कुन वक्त है। आप अगर आज अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, करप्ट माफिया इतना तकड़ा है, अरबों रुपया इतनी देर से लूट रहा है पाकिस्तान को, आप इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबरा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।